समय मैं जनपद सीतापुर के श्योता विधानसभा की ग्राम पंचायत बहनेवा गांव में खड़ा हूं, जहां पर ये तस्वीरें आपको नज़र आ रही हैं। ये जो ग्राम पंचायत मैं दिखा रहा हूं, यहां पर आम जनता की राय आगामी 2022 के बारे में हम आइए और लोगों से मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि 2022 में श्योता विधानसभा के लिए क्या राय है, आम राय। हनीफ, अच्छा ये बताइए 2022 में आप श्योता का विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो इसमें सरकार आप अखिलेश की बनाना चाहेंगे कि योगी की, कि कांग्रेस की, कि बसपा की? योगी ने ऐसा क्या कर दिया है जो योगी को बनाएंगे आप? सरकार किसकी बनाएंगे आप? तेज बनाओ सर, मोहम्मद सलीम किस गांव में रहते हैं आप? बमनावा में। अच्छा ये बताइए 2022 में आगामी विधानसभा का चुनाव है, तो इसमें ये बताइए कि 2022 में आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? अब वोट भाजपा को देबे और जिके विधायक ज्यादा हो जाए उनकी सरकार। नहीं, वोट भाजपा को क्यों देंगे? हमारा फायदा है, हम दिया। क्या नाम बोला आपने? मोहम्मद सलीम। आपकी वोट तो भाजपा गिनती नहीं है, फिर आप कैसे वोट देंगे? अब हम खुला दी थे वोट, बंद थोड़ो दी थे। नहीं, किसी के दबाव में कह रहे हैं कि अपने आप कह रहे हैं। नहीं तो ऐसा क्या, इसके पहले आप किसको वोट देते थे? राजेश शर्मा को दिया वोट। ठीक है, तो ऐसा क्या लगा भाजपा में जो आप भाजपा की सरकार देखना चाहते हैं? और हमका पसंद आई तो दिया। कौन ऐसे कार्य उसके पसंद आए? हमारे बिगारिन का। आप ये कार्य बताइए जो उसने अच्छा किया हो आपके। चेहरा बदल के तो किसने बदला? विधायक जी को बदला। कौन विधायक है? सरकार बदली, विधायक ज्ञान तिवारी बदली। नहीं तो समाजवादी सरकार ने क्या विकास नहीं किया या उसने कोई चेहरा नहीं बदला? अब ज्यादा भवा है, अब पहले जो कुछ भवा है तो उतना ही मालूम रहता है। इसके पहले कौन विधायक था आपके यहाँ? जीन बाबू रहे, उन्होंने क्या विकास नहीं किया? अब वो जो कहीं नहीं है तो कहीं, अब ज्यादा है विकास। कितने साल विकास रहे विधायक? 4 बार रहे। तो आप सरकार योगी की बनाएंगे? भाई हम वोट देबे उनका। तो योगी को वोट देंगे कि ज्ञान तिवारी को वोट देंगे आप? अब यहाँ इनका दीजिए तब तो उनके दिए पहुंची। वोट भाजपा को देंगे? समाजवादी को क्यों नहीं देंगे? बसपा को क्यों नहीं देंगे? हमारे नुकसान का बाबा, हमारे और फायदे है। मोहन, कौन लोग हैं आप? अरे बरेठे। बरेठे, अच्छा ये बताइए कि 2022 में आप सरकार किसकी बनाएंगे? मोदी की। क्यों मोदी की बनाएंगे? क्या उसने ऐसा किया? बहुत कुछ किया। क्या किया है? बहुत कुछ दिया है बसपा में। बसपा ने क्या नहीं किया? बसपा सरकार ने, इसके पहले बसपा ने भी तो रही। बसपा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया, नहीं। और समाजवादी सरकार ने? वो नहीं किया। तो आप क्या नहीं किया? इसलिए ऐसी कौन सी कार्य योजनाएं और कौन से विकास कर दिए योगी ने जो आप सब भाजपा को वोट देंगे? योगी ने इतना किया है जो सबको पैसा देता है और सबको गल्ला देता है और सब कार्य बढ़ा रहा है। आपको कोई लाभ मिला? हाँ, हमको भी मिला। क्या मिला आपको है? क्या मिला आपको? हमको गल्ला मिल रहा। और क्या मिला? पैसा मिल रहा। काहे का? किसान क्या? अच्छा, नहीं तो अपने आप खुश होकर के दे रहे हैं। हम अपने खुश होकर के कि किसी के दबाव में दे रहे हैं। दबाव किसी का नहीं, योगी की सरकार बनाएंगे। आपका भगवती? भगवती नाम है। कहाँ घर है आपका? कौन लोग हैं आप? लोध। अच्छा तो ये बताइए 2022 आगामी जो चल रहा है इसमें श्योता का विधानसभा का एक भविष्य तय होना है जिसमें आपकी वोट से उत्तर प्रदेश लखनऊ की राजधानी में एक सिंहासन पे जो है एक राजा बैठेगा। तो आप वोट समाजवादी पार्टी अखिलेश को देंगे कि योगी को देंगे कि मतलब बसपा की मायावती को सरकार बनाएंगे कि कांग्रेस की बनाएंगे? सरकार हम मोदी की बनाएंगे। मोदी को बनाएंगे क्योंकि मोदी तो चुनाव लड़ नहीं रहा। मोदी चुनाव में ज्ञान तिवारी लड़ रहे हैं, ज्ञान तिवारी को हटा दे तो सरकार बनी। अच्छा तब सरकार बनेगी, लेकिन केंद्र में योगी मोदी है, यूपी में तो योगी है। सरकार तो भेजे तब योगी के बन जाए। नहीं तो आप ऐसा क्या मतलब है, आप इतना खुश हैं कि आप समाजवादी की सरकार नहीं चुनेंगे, कांग्रेस की नहीं चुनेंगे? समाजवादी वाले कुछ नहीं कहें, समाजवादी में है जल रहे चले। गुंडा राज रहा, कटवाइत रहे पॉपुलर तो पुलिस के गाड़ी हुआ पहुंच गए रहा कि अपने ख्यात कर कटे रहा तो 100 रुपया ले ली। नहीं तो इसमें क्या भाजपा में गुंडा राज नहीं? भाजपा में कोई गुंडा राज रहे, बहुत फायदा है। बहुत फायदा है, क्या फायदा है? एक फायदा बताइए आप। एक फायदा, हाँ, एक तो 2000 रुपया खेती के रावत है किसानी के। ठीक, और गल्ला फ्री मिल रहा सबका। अच्छा, गल्ला बराबर हमका मिल रहा, सबका मिल रहा, इसी से आप खुश हो गए? इसी से हम लोग खुश हैं। ये तो पहले भी सरकारें देती थी। पहले सरकार कोई नहीं दी ऐसा गल्ला, माफ करके किसी ने नहीं दिया। कार्ड पर देते रहे वहाँ 5 रुपया 6 रुपया किलो। अच्छा, इसी फ्री सबका मिल रहा, तेल मिले, गल्ला मिले, चना मिले।
तो नमक मिला है। इसी वजह से आप उसको वोट देंगे? नहीं, इसके पहले विधायक कौन था आपके वहाँ? इससे पहले विधायक जीन बाबू रहे। कितने वर्ष रहे? तीन चार चार पाँच साल। तो क्या उसमें नहीं मिलता? उसमें भी तो मिलता था। तो वही का बांटिंग है। हाँ, हिरम का मिला है। गाँव हमरे का भवा कुछ नहीं भवा है। नहीं, आपके गाँव में तो ज्ञान तिवारी ने क्या कर दिया? ज्ञान तिवारी तो बहुत कुछ की का आए रहे हैं, गले बट रहा है। जब विधायक है तब है तो आए रहा है गल्ला। विधायक न होते तो कहाँ से गल्ला? कहाँ घर है आपका? मम्मियावा। शोभरा लाल, कौन लोग हैं आप? राजपूत। ये बताइए, 2022 में आप सरकार अखिलेश की बनाएंगे कि कांग्रेस की बनाएंगे कि बसपा के मायावती की बनाएंगे कि भाजपा में योगी की बनाएंगे? किसकी सरकार बनाएंगे आप? योगी की। क्यों, ऐसा क्या है? बढ़िया काम कर रहे हैं। कौन सा काम किया है? खेती पाती के दाम मिल रहे हैं। हाँ, और ये अनाज भी मिल रहा है। और कुछ? बस और, इतने में खुश हो गए? और बस इतने खुश हो गए? हाँ, तो इसके पहले भी तो सरकार कहीं नहीं, इसके पहले भी तो सरकारें दे रही थी ये सब। बिल्कुल ना दे, इसी वजह से आप भाजपा को देंगे। क्या नाम है आपका? सौगरम। अच्छा, आपको कुछ मिला? हाँ मिला। क्या मिला आपको? खेती का पैसा मिल रहा। अच्छा, और गल्ला भी मिल रहा। हाँ, हाँ। इसी वजह से आप देंगे। इसके पहले विधायक आपके वहाँ कौन था? इसके पहले विधायक कौन था? इसके बाद जिन बाबू रहे। इसके पहले जिन बाबू थे। कितने वर्ष रहे? कहियो दो तीन कहने वापस पर। अच्छा, और इस समय कौन है आपके वहाँ? ज्ञान तिवारी। दोनों में आप अंतर बताइए, विकास किसने ज्यादा किया और किसने नहीं किया? किसने विकास? ज्ञान तिवारी। इन्होंने तुम्हारे गांव में कौन सा विकास ऐसा कर दिया जो इतना आप खुश हो गए कि भाजपा की सरकार बना? बहुत कहने है। अब तक कोई सरकार ना की। सरकार ने किया है ना। श्योता के विधायक ने तो नहीं किया? विधायक किए नहीं किया। हाँ, विधायक ने किया। हाँ, विधायक। इसी वजह से आप देंगे? हाँ। तो विकास तो हर सरकारें करती हैं, ऐसी कोई बात तो है नहीं। ऐसी कभी नहीं भाई। इसमें विधायक किसको चुनेंगी और सरकार किसकी चुनेंगी? हम तो उनका मोदी के। मोदी के? लेकिन मोदी केंद्र में है और यूपी में योगी है। योगी में है, उन्हें क्यों वो? और समाजवादी पार्टी को वोट क्यों नहीं देंगी आप? क्यों समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगी आप? योगी ने दिया हो? काहे बदके दिया हो? ऐसे कौन काम कही दिन हुई? जो उनको सब। अच्छा, इसी वजह से? नहीं तो अखिलेश ने क्या बढ़िया काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने? अखिलेश को वोट नहीं दोगी? बसपा को वोट नहीं दोगी? बसपा ने क्या बढ़िया काम नहीं किया मायावती ने? क्योंकि यहाँ के पूर्व प्रधान के भाई हैं। और क्या नाम है आपका भाई साहब? राजेंद्र प्रताप सिंह। राजेंद्र प्रताप सिंह हैं। ये बताइए कि 2022 में आपकी वोट से उत्तर प्रदेश का भविष्य तय होगा, देश का भविष्य तय होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही राज्य का रास्ता जाता है केंद्र सरकार को। 2022 में आप सरकार अखिलेश की देखना चाहते हैं कि मायावती की देखना चाहते हैं बसपा की कि कांग्रेस की कि या योगी भाजपा की? फिलहाल तो जो कार्य हुए हैं इस सरकार में अच्छे कार्य हुए हैं। किस सरकार में हुए? ये जो अभी मौजूदा गवर्नमेंट है। क्या है? जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, ठीक। कार्य भी अच्छे हुए हैं, विकास भी हुआ है और अभी जो परसेंटेज है वो भी अच्छा दिखाई दे रहा है बीजेपी का। अच्छा, इसके पहले सरकारें जो रही समाजवादी की सरकारें रही, बसपा की रही, कांग्रेस की रही, तो क्या उन्होंने विकास नहीं किया? नहीं, समाजवादी सरकार में भी विकास अच्छा हुआ, लेकिन कुछ कमियां जरूर रही उनके द्वारा या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कुछ कमियां हुई, जिसके अनुसार जनता ने अपना मन बनाया और बीजेपी को लाए राज्य में। वो एक एक कमियां बताइए आप, कौन सी कमियां रही और इनके फायदे बताइए भाजपा सरकार में। अब फायदा देखिए, जैसे अभी किसानों को राशन मिल रहा है। किस सरकार में मिल रहा है? ये क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बीजेपी की जो है इसमें। तो क्या समाजवादी में नहीं मिलता था? उसमें भी तो मिलता था। मैं भी मिलता था, लेकिन इसमें बढ़ा चढ़ा के मिल गया। पात्र गृहस्थी कार्ड बने, पहले क्या था अंत्योदय में मिलता था या बीपीएल में मिलता था, सभी को नहीं मिलता था। सभी को नहीं मिलता था, नहीं मिलता। इसमें सभी को बराबर का दर्जा दिया जा रहा है। ठीक बात, सभी लोग पा रहे हैं ना। अच्छा, भी संतुष्टि। वो कमी बताइए समाजवादी सरकार में जो मतलब रही, वो कमियां बताइए जो कमी रही जो आपने कहा कमी क्या। एक तो जैसे अयोध्या वाला जो कांड हुआ,
तो वो भी फैक्ट बीजेपी के पक्ष में ही गया। अच्छा, मान के चलिए जैसे वो भले ही अदालत से बना हो, कोर्ट से बनाया गया हो, लेकिन जो मौजूदा गवर्नमेंट थी उसको उसका लाभ मिला, उसी के द्वारा बनाया गया। हाँ भाई, ठीक है, जनता तो ये सब मानती है ना। नहीं तो इसमें क्या सहयोग समाजवादी के पार्टी के नेताओं ने नहीं किया? सबने किया, लेकिन जो मतलब हम बता रहे हैं जो फैक्ट होता है, लोग सोचते हैं, लोगों की सोच क्या है। ठीक है, हम आपकी सोच पूछ रहे हैं कि आपकी सोच क्या है, लोगों की सोच नहीं पूछ रहे हैं, आपकी सोच क्या है। आप ये बताइए कि समाजवादी पार्टी में वो कमियां बताइए जिसकी वजह से लोग पब्लिक नाराज हुई और इधर उसका मन मुड़ रहा है भाजपा की ओर, वो कमियां बताइए क्या था ऐसा समाजवादी पार्टी सरकार में जो मतलब ऐसा पब्लिक ने मोड़ लिया। किस मुद्दों पे आप वोट कर, विकास के मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? जो विकास में सरकार किसकी बनाएंगे आप? योगी की। योगी की, क्यों, ऐसा क्या है? योगी ने ऐसा कौन सा कार्य कर लिया जो योगी की? 1000 रुपया दे थे जमीन। अच्छा, और फ्री गल्ला दे रहा। अच्छा, और बस ये आप नव युवा हैं, 2022 में आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? योगी की बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अरे ये सब जो है अब दंगे फसाद में हो रहे हैं इस समय। अच्छा, तो पहले सरकार में क्या दंगे फसाद होते थे? पहले सरकार में दंगे फसाद हिंदू मुस्लिम हुआ करते थे। किसकी सरकार में ये हुआ करता था? ये अखिलेश जी की सरकार में हुआ करता था, अब इस समय कुछ नहीं होता दंगे फसाद। इस समय किसकी सरकार है? इस समय भाजपा की सरकार है अभी। इसमें क्या लाभ आपको मिला और उसमें नुकसान क्या मिला समाजवादी में? इस समय ये गांव छोड़े हुए हैं, लेकिन गल्ला तो आदमी को मिल रहा है बिल्कुल। तो गांवों से क्या नुकसान नहीं है किसान का? नहीं, नुकसान है बिल्कुल है, लेकिन इस पर योगी जी का कुछ आपत्ति जतानी चाहिए कि किसानों का। फिर भी वोट आप भाजपा को करेंगे? हाँ, फिर भी करेंगे भाजपा को, ये दिक्कत कोई नहीं, लेकिन इसके योगी जी को ये चाहिए कि गांवों को बनवाना। या ये गाय है किसकी? ये गाय है हमारी लोगों की, लेकिन हमारे लोग ही छोड़े हुए हैं। तो इस पर सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका? इस पर कोई नहीं, सरकार वोट योगी को मिलेगी। योगी को आप तो मार के दाग दी ना की का दिया, भाजपा के यहाँ जाओ कि समाजवादी के यहाँ कि कांग्रेस के यहाँ? योगी के यहाँ दिया, काहे बद के दिया योगी के यहाँ? आप कहाँ, आप तो दोनों पैरों से विकलांग हैं, आपको कुछ दिया है? तुम दिया नहीं, तुम दिया। तो योगी को सरकार हमने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, लेकिन योगी को आप वोट देने के लिए कह रही हैं? अच्छा, एक ही बद के दिया हो? क्या नाम है आप? क्या सुंदरलाल? सुंदरलाल, कौन लोग हैं आप? धोबी। अच्छा, ये बताइए 2022 में चुनाव आने वाला है जो इस समय चल रहा है, आपकी वोट से देश का भविष्य तय होगा उत्तर प्रदेश का, आप सरकार अखिलेश की बनाएंगे देखना चाहते हैं कि समाजवादी बसपा की मायावती की के मतलब जो है कांग्रेस की, या भाजपा में योगी की? योगी को वोट दोगे? क्यों, ऐसा क्या है योगी में? अरे गल्ला दे रहा है और पैसा दे रहा है और कॉलोनी कॉलोनी तो दहेज नहीं है ना, हम पायल है। बस इसी पे आप खुश हो गए? हाँ, खुश है, हम सब दुनिया खुश है, हम खुश है। अच्छा, तो वोट आप योगी को करेंगे? तो ये सब चीजें तो समाजवादी में भी मिलता था, बसपा में भी मिलता था, मगर अब बहुत कोई सुनती है, बहुत कोई नहीं सुनती। अच्छा, तो इसमें सुनवाई हो रही है, इस वजह से वोट देंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ घर है आपका? कहते हैं ये महिला से, क्योंकि 2022 में चुनाव चल रहा है, इस समय चुनावी दौर है, तो आप सरकार किसकी बनाना चाहेंगी, और या मतलब समाजवादी सरकार अखिलेश की कि मायावती की बसपा की कि कांग्रेस की? भाजपा की सरकार बनाएंगी। सरकार भाजपा की बनाएंगी, ऐसा क्या है जो सरकार भाजपा की बनाएंगी? हर तन की सुविधा है, हर तन का लाभ है, सुनवाई है, जो कुछ चाहते है वो है। नहीं तो आपको कोई लाभ मिला इसमें? हाँ बिल्कुल, हर एक लाभ, किसान सम्मान निधि मिलत है और गल्ला मिलत है, हर एक तन की सुविधा जो नावत है वह मिलत। तो ये सब सुविधाएं तो पिछली भी सरकारों में मिलती थी, क्या नहीं मिलती थी? ना, हमका तो ना मिलत रहा, हमका अब मिलत। अच्छा अच्छा, यानी आप सरकार भाजपा की बनाएंगे योगी? कहते हैं कि नव युवक जो है का रुख अन्य पार्टियों की तरफ जा रहा है, लेकिन हम जानकारी लेते हैं, नव युवक हैं, पूरी जानकारी लेते हैं और इनकी राय जानते हैं 2022 में सरकार किसकी बनेगी। आपका क्या नाम है भाई साहब? हमारा नाम अवधेश कुमार। अवधेश कुमार, कौन लोग हैं? हम चौहान। चौहान हैं, ये बताइए कि 2022 में आप सरकार अखिलेश की बनाएंगे
कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश की, कि बसपा में मायावती की, कि कांग्रेस की सरकार या भाजपा में योगी की, किसकी सरकार आप देखना चाहेंगे? आप नवयुवक हैं। भाजपा की बनाएंगे। ऐसा क्या है भाजपा में बनाएंगे? है क्या, हर चीज की सुविधा है और जो हम लोगों को मिल रहा है ये अखिलेश की सरकार में आया हुआ था लेकिन फिर भी मिला हुआ नहीं था। मिला नहीं था? हाँ। तो जब आया हुआ आप बता रहे हैं तो मिला क्यों नहीं? मिला क्यों नहीं, जब वहाँ से आया गल्ली में खा लिया लोगों ने, बिचौलियों ने खा लिया। हाँ, कहना आपका यही है? पहुँचा नहीं, और इसकी इस सरकार में जो आया वो लोगों तक पहुँचा। अच्छा, ये किसकी सरकार है इस समय? ये भाजपा की सरकार थी। अच्छा, इसके पहले इस समय विधायक कौन है आपके यहाँ? हमारे यहाँ ज्ञान तिवारी जी। अच्छा, तो उसके पहले कौन विधायक था? उसके पहले हमारे झीन बाबू थे। तो क्या पहले की सरकार में और पहले जो जनप्रतिनिधि थे नहीं पहुंचता था क्या लोगों तक? लोगों तक पहुंचता होगा तो कुछ लोग होंगे जो उनके नजदीकी तो उनको मिल रहा होगा। अच्छा। हमारे गांव में गरीब लोग थे तो वहां तक नहीं आ, गरीबों तक नहीं पहुंचता था? नहीं पहुंचता है। अच्छा, इस सरकार में क्या गरीबों तक पहुंच रहा है? इस सरकार में गरीब भी पा रहे हैं और कुछ बड़े भी हैं वो भी पा रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि समानता सभी का जो है? सभी का हो रहा है, सभी का सम्मान हो रहा है। अन्य सरकारों में अपने करीबियों का होता था, आपका कहना यही है? जी। अच्छा अच्छा, भाई साहब किशन कुमार वाजपेयी। अच्छा, वाजपेयी हैं। ये बताइए कि 2022 में सरकार अखिलेश की बनाएंगे कि भाजपा की बनाएंगे, योगी की, कि बसपा में मायावती की बनाना चाहते हैं कि कांग्रेस की? सरकार हम चाहते हैं भाजपा की बने। ठीक, और क्या चाहते हैं? सरकार भाजपा की बनेगी जब तो सबको जिस प्रकार से देख रही है भाजपा उसी प्रकार से सबको देखे। नहीं तो क्या अन्य सरकारें नहीं देखती थी? क्या अखिलेश की सरकार नहीं देखती थी? वो बात नहीं है, अखिलेश की सरकार भी देखती थी लेकिन जितना काम भाजपा ने इस समय किया है उतना काम आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, इसी वजह से आप योगी की सरकार भाजपा को दे रहे हो? कहीं वाजपेयी तो नहीं है इसी वजह से, पंडित नहीं इस वजह से कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं, कोई दबाव तो नहीं है किसी का? दबाव नहीं। क्या नाम है आपका? सोनेलाल प्रजापति, कुम्हार बिरादरी के हैं। ये बताइए कि आप 2022 में सरकार किसकी देखना चाहते हैं? हम तो भाई भाजपा ही बने। सरकार भाजपा की बनाओ, ऐसा क्या भाजपा ने किया है जो भाजपा की सरकार बनाएंगे? यहाँ का भाई जैसे मान लो हमका हर चीज मिलत है। अच्छा, खाली हरहन वाली दिक्कत है। हरहन वाली दिक्कत मिट जाए, किसान सुखी तो हो जाए, और हमारे कौन बिगाड़ी से भाई? नहीं तो इस समय तो जानवर छुट्टा है, तब भी वोट आप भाजपा को करेंगे? चल जाते होते हमका मिल जाते बात खत्म। अच्छा, इस वजह से। तो क्या अन्य सरकारों में, समाजवादी सरकार में, अखिलेश की सरकार में नहीं मिलता था, सपा में नहीं मिलता, बसपा में नहीं मिलता था? सरकारों हमका ज्यादा मिला है। अच्छा अच्छा, इस वजह से। श्यामलाल, श्यामलाल ये बताइए 2022 में आप सरकार अखिलेश की बनाएंगे कि मायावती की बनाएंगे कि योगी की बनाएंगे या कांग्रेस की? योगी बनवाइए। नहीं तो काहे बदके बनवाइया, ऐसा कौन सा कार्य किया है? कुछ नहीं, ऐसा क्या उसने किया है जो आप योगी की बनाएंगे? क्या अन्य सरकारों की तरफ आपका ठीक की? तो क्या अन्य सरकारों में नहीं ठीक हुआ? अन्य सरकारों में ठीक नहीं हुआ? बाबा बहुत नाराजगी से बता रहे हैं कि जो है अन्य सरकार की अपेक्षा ये सरकार ने ज्यादा कार्य किया, इस वजह से काफी दिल खोल के बात नाराजगी से बता रहे हैं कि हम योगी की हो ही देंगे, किसी और को नहीं देंगे। ऐसा क्या कर दिया है उसने? सब कुछ ऐसे है।